हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लौकी से बनने वाला सुपर टेस्टी नाश्ता, जो टेस्टी होने के साथ साथ फ्रेंड्स हेल्दी भी होगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही जल्दी से बनेगा। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लौकी लिया और इसको हम छील के अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कद्दूकस करके रख लिया और इसको धो के भी रख लिया अच्छे से, और इसका सारा पानी जो था वो मैंने अच्छे से निकाल दिया निचोड़ के, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें ऐड कर देंगे दो ही नॉर्मल साइज़ के जो हमारे पास दाल के चम्मच होते हैं, वो मैंने भरकर बेसन ऐड कर दिया है। और इसके अंदर फ्रेंड्स दो ही चम्मच मैंने बेसन लिए हैं और एक चम्मच नॉर्मल साइज़ का वही वाला दाल का, वो मैंने सूजी ली है, बारीक हो या मोटी कोई भी ले सकते हैं आप। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आधी कटोरी फ्रेश दही ली है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आधी कटोरी ही इस्तेमाल किया करा है दही का, इससे ज़्यादा नहीं लेना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आधी कटोरी मैंने दही इस्तेमाल की है और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हींग ऐड की है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच साबुत जीरा और आधा चम्मच ही अजवाइन, और फ्रेंड्स नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो बस थोड़े से ही मसाले हैं फ्रेंड्स, और इन सबको हम अच्छे से पहले बिना पानी के ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि पहले हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, सिर्फ ऐसे ही मिक्स करेंगे बिना पानी के। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी से बनेगा यह लौकी का सुपर टेस्टी नाश्ता, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, बिना पानी के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे, यानी कि हमें एक बैटर बनाना है इसका, जो ज़्यादा ना गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और पतला हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे, ज़्यादा पतला गोल हमें नहीं बनाना, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गया हमारा ये लौकी का बैटर, तो यहाँ पे ये तैयार है। तो सबसे अब हम लेंगे फ्रेंड्स फ्लेम पे कढ़ाई, तो मीडियम फ्लेम रखा है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है एक चम्मच के करीब, और उसको अच्छे से गर्म करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हींग पाउडर, फिर से ऐड कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स एक छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड कर देंगे और एक छोटा चम्मच लाल राई। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर लौकी का जो हमने बेसन वाला घोल तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पका लूँगी कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो इसको हम जब तक अच्छे से फ्रेंड्स पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, तो इसको इसी तरीके से हम कंटिन्यू चलाते जाएंगे, नहीं तो बेसन जो है चिपकने लगेगा। तो इसको हम इसी तरीके से फ्रेंड्स 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कड़छी से लगातार चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसको एक थिक सा बैटर बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये बनकर तैयार हो गया है, और थोड़ा सा हम इसको 1 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे, ताकि बेसन हमारा कच्चा ना रहे, वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे बेसन भी अच्छे से पकना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और देखिए यहाँ पर बनकर तैयार हो गया हमारा ये लौकी और बेसन से बनने वाला ये बैटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब तैयार है, तो मैं अब फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको हम अच्छे से ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने रख देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक प्लेट ले लेते हैं। इस प्लेट में मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है थोड़ा सा, 2-4 बूंद, और उसी से मैं सारे हाथ से प्लेट के अंदर तेल लगा दूंगी अच्छे से। तो अगर आपके पास इसका एक जो सांचा आता है आप वो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आप आसानी से इस बैटर को जमा सकें। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली थी, तो यहाँ पे इसके अंदर फ्रेंड्स अब मैं उस बैटर को डाल दूंगी जो मैंने बनाया था लौकी का। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से थिक हो चुका है, अब हम इसको फैला देंगे चम्मच से इस पूरी प्लेट के अंदर। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स ये वाला नाश्ता बनाना, और जब बनकर तैयार होता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, खासकर सभी फैमिली के सभी मेंबर को पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं इसको हाथ से ही अच्छे से फैला लेती हूँ, क्योंकि हाथ से थोड़ा इजी रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको इसी तरीके से चारों तरफ फैला के तैयार कर लूँगी, और इसको हमें थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको थोड़ा जमने देंगे हम, जब ये जमकर तैयार होगा तभी ये थोड़ा सा शेप में आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको हाथ से अच्छे से फैला दिया है चारों तरफ से,
देखिए इस तरीके से, तो आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से थोड़ा इजी रहता है। तो देखिए यहाँ पे पूरे प्लेट में मैंने इसको सेट कर दिया है। आप इसके बाद फ्रेंड्स इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से ये जम गया है। अब हम इसको एक बड़ी सी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एक बड़ी सी प्लेट के अंदर निकाल के रख लेती हूँ। देखिए कितने आसानी से निकल आया है और बिल्कुल भी नहीं चिपका इस प्लेट के अंदर। तो देखिए एक बनकर तैयार होगी एक बड़ी सी रोटी, यानी कि रोटी ही कह सकते हैं हम इसको। तो पर अब ये हमारा ये सेट हो चुका है घोल हमारा बेसन का, जो लौकी की सहायता से बनाया है हमने। और इसको अब हम चाकू से शेप में कट कर लेंगे। तो आपको जिस भी तरह की शेप पसंद हो फ्रेंड्स, आप उस शेप में कट कर सकते हैं स्नैक्स को। तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रायंगल शेप में कट करना है, तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में ही कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको दो लंबे लंबे कट मार दिए हैं, और इसी तरीके से दो लंबे कट मैं इस तरीके से भी मारूँगी और इसको दूँगी एक ट्रायंगल की शेप। तो आपको जिस भी शेप में नाश्ता पसंद हो आप उस शेप में काट सकते हैं, जिसमें भी आपको इजी लगे। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रायंगल में कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नाश्ता कट करके तैयार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये इस तरह का नाश्ता बड़ा ही टेस्टी लगता है जब ये बनकर तैयार होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए एक बारी लौकी से बनने वाला ये नाश्ता। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक ये पीस मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, और ये कितने आसानी से निकल कर आ गया है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारे पीसेस को निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे से सेट हो चुका है, और यहाँ पे सारे पीसेस मैंने निकाल के इस प्लेट में रख लिए हैं। तो अब फ्रेंड्स बहुत ही देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब थोड़ा सा इनको कर देंगे फ्राई, ताकि ये और भी टेस्टी लगे खाने में। तो यहाँ पे पैन ले लिया है मैंने फ्लेम पे, और मीडियम रखा है फ्लेम को, और थोड़ा सा ऑयल डाला है उसके अंदर। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक छोटा चम्मच लाल राई फिर से ऐड कर देंगे, और एक छोटा चम्मच भरकर सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची थी लंबी बारीक कटी हुई, वो मैंने ऐड कर दी है, और थोड़े से फ्रेश करी लीफ थे वो ऐड कर दिए हैं। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप बच्चों के लिए स्पेशली बनाएं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और एक एक करके हम सारे स्नैक्स को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे पैन के अंदर, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े से ऊपरी जो इसकी परत है वो थोड़ी सी क्रिस्पी ना हो जाए। तो यहाँ पे हम जितने आएंगे मैं उतने ही ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे ऐड कर दिए फ्रेंड्स, और इसको हम थोड़ा मीडियम फ्लेम पे सेकते जाएंगे थोड़े से, ये ताकि क्रिस्पी से हो जाएँ खाने में जो टेस्टी लगे। आप चाहें तो इसको बिना फ्राई करके भी खा सकते हैं, पर थोड़े से फ्राई करने से जो इनका टेस्ट है और भी अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, और बहुत ही टेस्टी सा लगने वाला स्नैक्स है फ्रेंड्स। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और बनाने में आप देख रहे हैं कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजिली तरीके से बनता है ये वाला स्नैक्स। और देखिए इसकी जो ऊपरी सतह है थोड़ी सी क्रिस्पी होने लगी है, एकदम लाल लाल सी हो गई है। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी सा लगता है ये वाला स्नैक्स खाने में। तो यहाँ पे मैंने सारे स्नैक्स को इसी तरीके से दोनों साइड से सेक लिया है हल्के हल्के से, और यहाँ पे मैं आपको एक पास से दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छे से सिक कर तैयार हुआ है, ऊपर से भी क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और बन गया हमारा ये लौकी से बनने वाला एक हेल्दी नाश्ता, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, सभी को पसंद आता है चाहे बच्चे हो चाहे बड़े। तो यहाँ पे मैंने प्लेटिंग कर दिया फ्रेंड्स, और बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स हमारा लौकी से बनने वाला ये सुपर टेस्टी नाश्ता, जिसे आप देख ही रहे हैं बनाना बहुत ही ईजी है और बिना किसी झंझट के फ्रेंड्स, बिना किसी फालतू मेहनत के बनकर तैयार होता है ये लौकी का नाश्ता। जब घर में पड़ी हो आपके पास कोई लौकी तो आप बना डालिए इस तरह का स्नैक्स, यकीन मानिए सभी को पसंद आता है। आपको मैं पास से दिखा देती हूँ इस नाश्ते को, और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में, सुबह ब्रेकफास्ट में कभी भी आप दे सकते हैं, सभी को पसंद आता है इस तरह का नाश्ता। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार इस लौकी के नाश्ते को। आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स मैं तो जा रही हूँ इसे ट्राई करने, तो आप भी आ जाइए मेरे साथ और ट्राई कीजिए इस लौकी के नाश्ते को, और जो बनाया है मैंने बिना किसी झंझट के। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।